हेलो नमस्कार भाई सभी को। आपके लिए सीईटी की एक नई अपडेट आई है और काफी अच्छी अपडेट है। तो अपडेट आपने थंबनेल पे देखा होगा, तो उसका विश्लेषण आज के न्यूज़पेपर में हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि मुद्दा क्या है। कि मुद्दा क्या है, जो सीईटी का जो आपका एग्जाम है रिजल्ट आ चुका है और 65,000 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डेटा PPC यानी परिवार पहचान पत्र, जिसको आमतौर पर फैमिली आईडी बोला जाता है, उसे मैच नहीं होते हैं, तो उनको मैच करने का तो एक तो मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खास खबर ये आई है कि जिन बच्चों का सीटी क्वालिफाइड है ना, जिनका भी सीटी क्वालिफाइड हो चुका है, उनके सभी के दस्तावेज जाँच किए जाएंगे। दस्तावेज भी जाँच किए जाएंगे और रेटिना भी जाँच किया जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार सभी को बुलाने के पक्ष में है, ताकि सभी बच्चे वहां आए। और एक बात यहां भी ये भी हो सकती है कि जिन्होंने गड़बड़ी की है, ऐसा कुछ रिपोर्ट में आया तो नहीं था कि गड़बड़ी हुई है, आंटी की तरफ से तो सब क्लियर था, बट फिर भी हो जाए तो अब जिन्होंने गड़बड़ी की है तो वो यहाँ से बाहर होने वाले हैं। इसके बारे में सारे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री। मिक्सड क्वेश्चन कराए जाते हैं हर रोज शाम 7:30 बजे। ये सीरीज अपनी 100+ सेट किए जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी फ्री है और इसके क्वेश्चन सब कुछ फ्री, पीडीएफ सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं इस बात पे। तो ये बात क्या थी अपनी कि सीटी PPP की वेरिफिकेशन पर टिका 65,000 युवाओं का भविष्य। अब 65,000 युवाओं में ऐसे घबराने की बात नहीं, सभी ने फर्जीवाड़ा नहीं कर रखा है। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली आईडी 80,000 से उस टाइम पे कम थी, बाद में बढ़ गई है, या कुछ भी हुआ है ऐसा है, या जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, कोई बाद में लग गया, ऐसे ऐसे करके हैं कुछ कैंडिडेट। या कुछ ऐसे भी हैं जिनके फादर लेस हैं, उस टाइम पे फादर थे, बाद में फादर की डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं यहाँ पे। यहाँ पूरी बात देख लेते हैं। ये तो आप सबको पता है कि 65,300 कुछ कैंडिडेट हैं, 15 दिन का समय दिया जाएगा और दस्तावेजों की जांच होगी और रेटिना स्कैन होगा। यहाँ जिसने भी फर्जीवाड़ा किया ना, जो जो फर्जी हैं, उनका सबका बाहर हो जाना तय है। अब बात करते हैं सीटी पास 3,57,000 विद्यार्थियों का। इनका 15 दिन के बाद ऑडिट शुरू हो जाएगा। ऑडिट में मतलब क्या होगा, ऑडिट का मतलब समझो, इसमें दस्तावेजों की जांच होगी। सबसे पहले रेटिना स्कैन किया जाएगा, दस्तावेजों से सबसे पहले भी रेटिना स्कैन, यानी कि आपको पता है ना, आंखों की रेटिना स्कैन होगी। इसमें गड़बड़ी मिलने पर वह विद्यार्थी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग का मानना है कि कुछ युवाओं ने अलग अलग आईडी से सीटी दी है। हाँ, हो सकता आयोग ऐसा मानता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो आप जिन्होंने गड़बड़ी नहीं कर रखी उनके लिए तो खुशखबरी ये है कि गड़बड़ी करने वाले कहीं ना कहीं नंबर ज्यादा ही लेके आते हैं, ये तो बाहर हो जाने हैं, तो कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ जाता कहीं ना कहीं पे। जाँच के दौरान इनकी गड़बड़ी आएगी, सामने आएगी। एक एजेंसी के जरिए यह जाँच होगी और रिपोर्ट आने में महज 4 से 5 दिन का ही समय लगेगा। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट है आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की है। और जिन बच्चों ने बिल्कुल गड़बड़ी नहीं कर रखी है, वो तो अपने सेफ एंड सिक्योर रहे, टेंशन न ले। हाँ, दस्तावेज सभी के चेक होंगे, तो यहां से उम्मीद है कि सभी के दस्तावेज चेक होंगे। तो हो सकता है बच्चे जैसा कि मेहनत कर रहे हैं सीटी क्वालिफाई करने के लिए, तो हो भी जाए तो सभी को मौका मिलना भी चाहिए। मेरी तो बस यही दुआ आपसे कि सभी को मिलना भी चाहिए, मेहनत रंग लानी चाहिए आप सबकी। तो एक बात मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि अपना ये अगर मैथ्स किसी का वीक है, किसी को मैथ कम आता है, तो घबराए नहीं, हमारे पास ये बिल्कुल टेस्ट सीरीज है, ये प्रैक्टिस सीरीज है, और यहाँ 100 सेट करवाए जाएंगे आपको, और 100 के 100 सेट की PDF भी मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो मिलते हैं शाम 7:30 बजे के लेक्चर में। थैंक यू।